अलैकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद अरशद, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। लंगर हाउस की दरगाह के जिम्मेदारों ने किया जुल्म, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लंगर हाउस में हजरत बुदादी शाह बाबा दरगाह के शहजादे अहमद पाशा कादरी ने वहाँ के जो गरीब दुकानदार होते हैं उनके दुकानों को तोड़ दिए। ये लोग पिछले 40 साल से फूल बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और इनकी रोजी रोटी इसी पे चलती है, लेकिन अहमद पाशा कादरी ने आज इनके दुकानों को तहस महस कर दिया और कहा कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट होना और हर महाना 10,000 रुपए, तो जब ये दुकानें लगाई जाएगी। जब ये लोग वकबोट पुलिस स्टेशन और MLA को इत्तला देने की बात कही तो अहमद पाशा कादरी ने कहा कि तुम जहां जा सकते हो जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप बताइए, एक तरफ मुतालिका MLA जिनको फूला पहनने से टाइम नहीं, वक्त नहीं, तो आम की क्या खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस है, पुलिस का तो रवैया आपको मालूम है, पुलिस ऐसे लोगों पर हाथ नहीं डालती, उल्टा गरीब को ही सताती है। अब रही बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की, अगर मोहम्मद सलीम जिस तरह से बार बार मीडिया में आके बोल रहे हैं कि मुझे किसी से डर, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं काम करता हूं, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता, अगर वो बातों का अहमद पाशा कादरी जैसे लोगों पर असर होता तो शायद ये हालत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद सलीम का भी कोई डर, कोई खौफ नहीं, उनकी भी कोई इज्जत नहीं। यानी अब ये गरीब कहाँ जाएगा, किससे मदद मांगेगा? अगर कोई मीडिया के पास जाएगा तो सबसे पहले वो पैसों का मुतालिबा करेंगे कि हमें आप इतने पैसे दो ताकि हम बात करेंगे। अब सारा डिपार्टमेंट, सारा महकमा करप्शन में आ गया, करप्शन में मुब्तला हो गया, तो फिर आम आवाम जाएगी किसके पास? बहरहाल देखना होगा कि ऐसे हालात में ऐसे लोगों की मदद कौन करता है। बहरहाल क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे लोग अपनी तकलीफ सुनाएं। देखना है कि मोहम्मद सलीम, मुतालिका MLA और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। दर्शक और अली बाबा के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। लंगर और दरगाह में मरना, हमारी फूल की दुकान 40 साल से है। देखो अब जो है सो हमारे बलिया को बुला दे, सब मिलकर छुड़ा दे रहे, हमारी दुकान तोड़ दे के चले गए बलिया वाले। किराया दो बोले तो हम बोले ठीक है देंगे, भाई जो भी है लगा बोले, मगर उन्होंने ऊपर से कार्रवाई, MP उनका है, कहते MLA उनका है, मैर मेरा है, सब मेरा है, बोलकर सजा दे, सब बोल के तोड़ा रहे साहब। क्या करना बताओ आप, अब हम लोग कहाँ जाना, 40 साल से मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे उनकी खोज पालता था, मेरा बच्चा ऑटो चलाता, उसकी जिंदगी की उसके वास्ते में ऐसा बोल रहे साहब। हमारे साहब बोले कहते उड़ा डालो बोल के, तो सुबह सुबह 6 बजे आके तोड़ दिए सर। 1 लाख रुपए जो बोले, 1 लाख रुपए जो बोले, 1 लाख रुपए हमारे दरगाह के साहब बोल रहे 1 लाख रुपए देना। उनका नाम क्या है? अहमद पाशा कादरी। और जो है सो हमारे कहते महीने को किराया 10,000 जो बोले, तो हम नहीं होता बोले तो 5,000 तो देना ही देना बोले, तो मैं बोले साहब हम किराया उतना तो नहीं थोड़ा बहुत होता है, फुटपाथ बाहर का ग्राहक है हमारा, हम बाहर करते, दरगाह को तो रोज कोई भी नहीं आते, इस वजह से हम यहाँ रहते ना साहब। तो मैं बड़े बड़े NGO MLO को, मिनिस्टरों को लगा के थोड़ा तो बोल के थोड़ा दिए। कितने दुकान तोड़े उन्होंने? दो दुकान है सर साहब बाहर रोड पे, दोनों के भी तोड़ दिए, मेरी नजर लंगर हाउस की दरगाह मीरा हुसैनी पंद्रह है, और सज्जादे साहब जो है तो हमारे किराया जो बोले देते बोल के तैयार हुए, फिर 1 लाख एडवांस जो बोले हाँ वो भी बोले, तो फिर वो MLA उन्होंने बड़े पहुँच है उनकी हमारे पूरा आज दुकान क्या चाह रहे आप लोग? हमारे यहाँ से हटा दो बोल रहे साहब। एक लाख रुपए की डिमांड कौन करे आप लोगों को? सज्जादे साहब। कहाँ के सज्जादे हो? यहाँ के मतलब क्या छोटी दरगाह की है? ये मीरा हुसैन की दरगाह, लंगर रोज दरगाह, लंगर रोज नाम है और दरगाह जो है तो लंगर हाउस की दरगाह मशहूर है। ज़्यादा कुछ बोले कम करे तो जो है सो दूसरे लोगों को भी जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता हूँ, सर्कल मेरे पास में है, सब मेरे पास में है, बोले।
और कुछ भी किसी के सामने जाके बोलने के रास्ते में बोलने को नहीं जा रहा, वो बोले तो जाके सीधा बोल देते नहीं नहीं जाओ, उल्टा फूल लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, खुदा हैरिसमेंट करते सामने आते, खुदा हैरिसमेंट करते। लंगर हाउस की दरगाह के बिल्कुल बाहर दो दुकानें हैं, यहाँ के सज्जादे का कहना है 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं लोग से एडवांस और 10,000 रुपए किराया। देखते हैं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम महमूद अली साहब कहाँ तक कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर आए दिन हर महीना दो महीने में डिप्टी सीएम महमूद अली साहब का दौरा होता है और ये सज्जादे ये लोग को ये बोलकर भी डरा रहे हैं, MLA MP मेरा है, डिप्टी सीएम मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुकानें तोड़ता हूँ और पुलिस कंप्लेंट करूँगा वरना गुंडों को लगाऊंगा, ऐसा कह के ये लोग का कहना है। देखते हैं इस मामले में तो लेकर कहाँ तक तहकीकात होती है। मैं सैयद अरशद अली बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।